हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निखिल सिंह। मैं ईएमई टेक्नोलॉजी से हूँ। सो आज का मेरा टॉपिक है वो है हैकिंग पे। मोस्ट ऑफ थिंग्स हम जानते हैं कि हैकिंग होती क्या है और हैकिंग कैसे करते हैं और हैकिंग कैसे नहीं होती। तो ये चीज़ आज हम एक छोटा सा ट्यूटोरियल है जिसके बेसिक्स हम आज पढ़ेंगे कि हैकिंग का क्या कंसेप्ट होता है। तो मैं एक चीज़ बता दूँ कि हैकिंग जो हम सोचते हैं, जो हम देखते हैं कि हैकिंग मूवीज में इजीली हो जाती है, दैट इज जस्ट अ सॉफ्टवेयर ट्रिक। हैकिंग वो नहीं होती जो एक्चुअल में वो दिखाते हैं। हैकिंग वो होती है जो एक्चुअली हार्ड वर्क जो पर्सन करता है। तो थिंग इज, आज हम हैकिंग की एक बेसिक स्टडी करने जा रहे हैं। हैकिंग होती क्या, सबसे पहले हम ये जान लें। हैकिंग मीन्स, हैकिंग इज आइडेंटिकल वीकनेस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क टू एक्सप्लॉइट इट्स वीकनेस टू गेन एक्सेस। हैकिंग एक ऐसी चीज के थ्रू होती है जिसकी जिससे वीकनेस के थ्रू आप उसको उस चीज़ को मैनिपुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपका फ़ोन है, आपका फ़ोन का अगर पैटर्न और किसी को पता है तो वो आपके पैटर्न को ओपन करके उसमें चेंजेस कर सकता है विदाउट नोइंग यू, कि वो आपको बता दे। सेकंड एग्जांपल के तौर पे, आपका कोई यूजर नेम, आपका कोई पासवर्ड है जो क्रैकिंग एल्गोरिथम टू गेन एक्सेस टू द सिस्टम। मीन्स आपका जो यूजर नेम पासवर्ड है, जैसे मैं किसी लैब में हूँ या मेरा खुद का पर्सनल कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर का जो पासवर्ड होता है वो आपको पता होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई ट्रस्टेड पर्सन है और उस पासवर्ड को वो खोलता है, दैट मींस ही कैन चेंज समथिंग इन अ कंप्यूटर। वो आपके कंप्यूटर में कुछ भी चेंज कर सकता है। बाय डिफॉल्ट मान लीजिए कि आपका पासवर्ड इतना सिक्योर है जो चेंज नहीं हो सकता, तो सम ऑफ द एल्गोरिथम्स जो अभी प्रेजेंट हैं, वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे आपको, गूगल पे सर्च कीजिएगा, वो एल्गोरिथम जो होते हैं वो रन करके आपके पीसी का पासवर्ड क्रैक कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे एक इमेज है, देखिए एक बंदा बैठा है ब्लैक कैप पहन के जिसकी आइडेंटिटी वो नहीं बता रहा, लेकिन वो यही काम कर रहा है कि इन पीसीज पे बैठ के जिस सर्वर पे वो क्रैक करना चाहता है उसके थ्रू वो देख रहा है कि मैं किस एल्गोरिथम से उस सर्वर का पासवर्ड जान सकता हूँ। जिनको सिक्योरिटी के बारे में पता होता। अब मैं कह रहा हूँ कि एक नॉर्मल पर्सन हमेशा अपने विंडो की ऑपरेटिंग सिस्टम की फायरवॉल को ऑन करके रखता है। दैट मींस ही नोस कि जो आपकी फायरवॉल होती है वो कितनी सिक्योर है और कितनी सिक्योर नहीं है। इसी तरह से जैसे जैसे आप इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते जाते हो, आगे बढ़ते जाते हो, तो कुछ ऐसी सिक्योरिटीज होती है जो आपको पता होता है कि नॉर्मल पर्सन ये चीज़ नहीं लगाता, तो इसको हैक करना, इसको मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है। तो ये पर्सन वही काम कर रहा है। मीन्स इस इमेज का मतलब ये है कि ये अपनी आइडेंटिटी आपको रिवील नहीं करना चाहता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक हैकर हूँ, मैं एक सिक्योरिटी देना चाहता हूँ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, तो मैं उसको पॉजिटिव वे में लूँगा। लेकिन यही अगर मैं किसी गलत काम के लिए, किसी नेगेटिव पर्पस के लिए यूज करना चाहता हूँ, सो आई कैन हाइड माय आइडेंटिटी कि भाई मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता। सेकंड एनर्जी हमारे पास टाइप ऑफ हैकर्स। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग थिंग्स आती है कि आपको पता होना चाहिए कि आप अगर हैकर हैं तो किस में रिलाई करते हैं। तो कई बार ये होता है कि हम ये समझते हैं व्हाइट हैकर हैं, ब्लैक हैट हैकर्स हैं, ग्रे हैट हैकर्स हैं। तो व्हाइट हैट हैकर्स कौन से होते हैं? एथिकल हैकिंग की वर्ल्ड में, the hackers who gain access to the system which is a view to fix the identical weakness, they may also perform the penetration testing or vulnerability assessment. White hat hackers वो होते हैं जो find करते हैं आपकी कमजोरियों को, आपके operating system की कमजोरियों को। ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते, आप ही जानते हैं कि आपके system में क्या कमजोरी है। जैसे आपके windows original नहीं है, वो एक vulnerability है। आप जो सॉफ्टवेयर यूज करिए वो जनरल नहीं है, वो एक तरह की वर्निबिलिटी। उन चीज़ों को पेनिट्रेशन टेस्टिंग के थ्रू फाइंड करना और उनकी कमियों को दूर करना। ब्लैक हैट हैकर्स कौन होते हैं? हैकर्स हु गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द कंप्यूटर सिस्टम फॉर पर्सनल गेन। जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरे पीसी का जो पासवर्ड है वो बहुत ही सिक्योर है, बट मेरा जो फ्रेंड है वो चाहता है कि मैं इसको अनऑथराइज करके किसी ना किसी तरीके से पासवर्ड को मैनिपुलेट करके उसको यूज करूँ। Second, the intent is usually to steal the corporate data, violate privacy rights, transfer funds from bank account, etc. Means company में कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो नहीं चाहते, जिनकी कई बार क्या होता है promotions नहीं होती, वो ऐसी security को breach कर देते हैं। उन चीजों को रोकने के लिए passwords के लिए algorithm बनते हैं। तभी आपको हर बार एक password की एक
मेल आते हैं या फिर जब आप नई लॉगिन नई यूजर क्रिएट करते हैं तो आपको पासवर्ड के लिए रिस्ट्रिक्शन दी जाती है कि आप 8 कैरेक्टर का पासवर्ड रखिए, एक कैरेक्टर बड़ा, स्मॉल, एक न्यूमेरिक कैरेक्टर और एक स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इन सबको ब्रेक करने के टाइम पे काफी टाइम लगता है और काफी टाइम लगने की वजह से हैकर कई बार उन चीजों को स्किप कर देते हैं। सो थर्ड इज द ग्रे हैट, अ हैकर हु इज इन बिटवीन द एथिकल और ब्लैक हैट, मतलब कि वो इन बिटवीन व्हाइट और ब्लैक दोनों के बीच में लड़ाई करते हैं, ही और शी ब्रेक इन टू द कंप्यूटर सिस्टम विदाउट अथॉरिटी, वो बिना किसी अथॉरिटी के कंप्यूटर को ब्रेक करते हैं, कंप्यूटर के पासवर्ड को ब्रेक करते हैं विद अ व्यू टू आइडेंटिफाई वीकनेस एंड रिवील देम टू द सिस्टम ओनर। बट मींस कि जिस पर्सन की वो अथॉरिटी होती है, जिस पर्सन का वो पासवर्ड होता है, उसको बिना बताए उसकी अथॉरिटी को वो ब्लीच कर देते हैं, तोड़ देते हैं। सेकेंडली हमारे पास स्क्रिप्ट किडीज, अ नॉन स्किल्ड पर्संस हु गेन एक्सेस टू द कंप्यूटर यूजिंग द ऑलरेडी मेड टूल्स। अब मार्केट में बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, कई होते हैं कि अब आपको ये नहीं पता कि जो टूल्स आपको दिए जा रहे हैं क्या वो ओरिजिनल हैं, क्या बाकी में वो एक्सेसिबल हैं या नहीं, तो उनके थ्रू आप जो अनअवेयर यूजर होते हैं उन चीजों को हैक करना शुरू कर देते हैं। फिर होता है जी हैक्टिविस्ट, a hacker who uses hacking to send social, religious and political extra messages. This is usually done by the hacking website and leaving the message on the hijacked website. कुछ ऐसे बंदे होते हैं कि जो डर फैलाते हैं कि आपकी वेबसाइट में मैसेज पास आउट कर दिया कि आपकी वेबसाइट हैक हो जाएगी अगर आपने ये रैंसम मनी ना दी, या कुछ इस तरह का अनवांटेड डेटा जो है आपकी वेबसाइट में पास आउट करना शुरू कर देंगे। फिर प्री हैकर्स क्या होते हैं, हैकर who identify and explores weakness in the telephone instead of the computer. जो टेलीफोन्स का सहारा लेते हैं, जैसे किसी को थ्रेट करना है या किसी से फोन पे अब्यूज करना है, उन चीजों को यूज करने के लिए अपनी आइडेंटिटी छुपा के वो टेलीफोन का इस्तेमाल करते हैं। तो साइबर क्राइम क्या होता है, साइबर क्राइम इज द यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क्स टू परफॉर्म द इलीगल एक्टिविटीज सच एज द स्प्रेडिंग कंप्यूटर वायरस, ऑनलाइन बुलिंग, परफॉर्मिंग अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक फ्रंट एक्सेट्रा। साइबर क्राइम का मतलब ये होता है कि जैसे आपने कोई वेबसाइट खोली, उस वेबसाइट का आपके साथ साथ मल्टीपल वेबसाइट खुलती जा रही, मीन्स आपका नेटवर्क का ट्रैफिक काफी जाम करते हैं। जब वो ट्रैफिक जाम होता है तो हैकर्स क्या करते हैं, वो इन चीजों का फायदा उठाते हैं क्योंकि आपका ध्यान वो उन साइट्स को क्लोज करने में, लेकिन जो हैकर का ध्यान होगा वो होगा आपके फंड्स को चोरी करने में, जो यहाँ पे वो दिखा रहा है साइबर क्राइम होता क्या है। फिर कितने तरह के साइबर क्राइम होते हैं जी, पहला होता है कंप्यूटर फ्रॉड। कंप्यूटर फ्रॉड कहते हैं कि आपको बता दें कि आप इस साइट पे जाके अपना पर्सनल एक्सेस कर सकते हो, लेकिन हैकर क्या करता है कि उसी की तरह की एक मिररिंग बना देता है उस वेबसाइट पे कि आप यूजर इस साइट पे जाएगा और अपना पर्सनल यूजरनेम और पासवर्ड भरेगा, ताकि वो यूजरनेम और पासवर्ड को मैं ओरिजिनल के साथ यूज करके उसकी डेटा को मैं गेन कर सकूं। फिर आता है जो है प्राइवेसी वायलेशन मींस आप जितना मर्जी अपने डेटा को यूज करो, लेकिन कोई ऐसा थर्ड पर्सन है जो आपके डेटा को यूज कर रहा है, आपके डेटा को सर्च कर रहा है। फिर आता है आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट मींस स्टीलिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम समबडी एंड इम्प्रिजनेट दैट पर्सन, मींस आपका एक ऐसी इंफॉर्मेशन, जैसे आपका बैंक अकाउंट है, आपके बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन ले लेना, फिर उस इंफॉर्मेशन को इस तरह से यूज करना कि आप ही हो जो उन चीजों को यूज कर रहे हो, कोई और नहीं यूज कर रहा। फिर आता है शेयरिंग कॉपीराइट्स एंड फाइल इंफॉर्मेशन। अब शेयरिंग कॉपीराइट्स का मींस क्या है, आपने देखा होगा टीवी में कई बार आता है कि आप मूवीज बाय करते हो और कोई पायरेटेड कॉपी मूवीज बनाता है, मींस वो जेन्युइन नहीं होती, क्या पता कि उन सीडीज के थ्रू आपके आपके पीसी या लैपटॉप में एक ऐसा वायरस आ रहा हो जो आपके डेटा को क्रैश कर दे। तो दीज थिंग्स कुछ आप चीजों को जेन्युइन खरीदें एंड दिस विल हेल्प यू टू हेल्दी योर कंप्यूटर एंड योर पीसी। फिर आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का मीनिंग ये होता है कि आप जब भी लॉगिन करते हो तो चाहे कीजिए कि आपकी वेबसाइट पे एक HTTPS का ग्रीन कलर का लोगो हो, मींस जितने भी हमारे बैंक्स हैं उनकी जब फंडिंग होती है, ट्रांसफर करते हैं हम लोग, तो उनका ट्रांसफर के टाइम पे जो URL होता है, यानी कि जो जिसपे हम वेबसाइट का लिंक दिया गया होता है, वो हमेशा सिक्योर होता है। अगर वो सिक्योर नहीं है तो प्लीज उन चीजों को आप यूज मत कीजिए, अपने फंड को ट्रांसफर मत कीजिए। फिर आता है जी आपका डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, बहुत अच्छी चीज है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक का मीनिंग होता है कि आपका एक अटैक है, यानी एग्जांपल के तौर पे इसे मैं खुद को समझता हूँ और ये है जी मेरे फ्रेंड का पीसी। मैं अपने पीसी से एक ऐसे पिंग भेजूंगा, पिंग्स मतलब बार बार पैकेट भेजता जो रिप्लाई करता जाऊंगा, ताकि वो कंफ्यूज हो जाएगा
जैसे ही वो कंफ्यूज होना शुरू हो जाएगा मैं उसके डेटा से सारा डेटा चोरी करना शुरू कर, मींस एक ऐसी चीज की उसको बार बार अटैक करना, भले वो डेड है भले वो जिंदा है, मैं उसको पिंग कर करूंगा पैकेट, उसका ट्रैफिक हमेशा जाम कर करूंगा, ट्रैफिक को जैम करने से कॉल डिनायल ऑफ सर्विस। फिर आता है जी स्पैम मेल्स, हमारे हर जीमेल में याहू में एक स्पैम मेल का बॉक्स होता है, वो इसलिए दिया जाता है कि आपकी जितनी भी अनवांटेड ऑथराइज्ड मेल्स होती हैं वो सब स्पैम में आती है। अब स्पैम में दो चीजें होती है, या तो वो अच्छी मेल्स होती है, कई बार क्या होता है कि आपकी जो पर्सन की मेल होती है वो गलती से स्पैम में आ जाते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि हैकर स्पैम में मेल भेज देता है पर आप उसे खोलते तो खोलते ही आपका पीसी रिस्टार्ट कर जाता है। इन चीजों को दूर करने के लिए आप अपने स्पैम के बॉक्स को या फोल्डर को हमेशा एम्प्टी रखिए, दिस विल हेल्प यू टू नॉट गेनिंग योर एक्सेस। अब देखिए इसमें दिखाया जा रहा है कि स्पैम मेल मोस्ट ऑफ द टाइम स्पैम मेल का जो अकाउंट है वो 372 इंक्रीज हो दिन पर दिन, एंड हियर इज द वुमन हु थिंक्स कि उसके लेटर बॉक्स में कितने सारी स्पैम मेल्स आ चुकी हैं। तो एथिकल हैकिंग क्या होती है जी? एथिकल हैकिंग इज द आइडेंटिफाइंग द वीकनेस इन द कंप्यूटर सिस्टम और द कंप्यूटर नेटवर्क्स कमिंग with the counter measures that protect the weakness. Ethical hackers must abide by the following rules. क्या है उसके rules जी? Get written permissions from the owner of the computer system or the computer network before hacking. Ethical hacker जो होगा वो हमेशा permission लेके काम करेगा, क्योंकि वो certified होता है। जो दूसरे hackers होते हैं जिनको होती तो पूरी knowledge दोनों को है, ethical hacker को भी same knowledge होती है और दूसरे hackers को भी पूरी knowledge होती है, but the difference is ethical hacker will ask your permission to hack or not. This is the legal things. Second, protect the privacy of the organization being hacked. अगर आपकी चीजें हैक हो गई हैं, तो आपकी organization ethical hacker को बुलाएगी ताकि आपकी वापस वो things redefined हो सके और आप उसको दोबारा use कर सको. The transparency report of the identified weakness in the computer system will be the organization inform the hardware and software vendors to the identified weakness. Means आपके कंप्यूटर सिस्टम की और आपके जितने भी हार्डवेयर डिवाइस है उनकी सिक्योरिटी आपके एथिकल हैकर पे होती है कि वो उनको डिफाइन करे कि कौन सा बेटर है कौन सा नहीं बेटर है। तो एक तरह की एक वाइस वर्स है, एथिकल हैकर क्या करते हैं कि परमिशन का ऑर्गेनाइजेशन से वो परमिशन नहीं देता। डन इन द अटेम्प्ट टू प्रिवेंट द मैलिशियस अटैक फ्रॉम बीइंग सक्सेसफुल, ये क्या करता है एथिकल हैकर कि आपके अटेम्प्ट्स को मैलिशियस अटैक से बचाने में हेल्प करता है, लेकिन जो एथिकल जो दूसरा हैकर है वो बार बार मैलिशियस अटैक करते हैं ये देखने के लिए कि उसमें से कोई एक वल्नरेबिलिटी फाइंड हो जाए कि वो उसको ब्रेक करके आगे बढ़ जाए। डिस्क्लोज एनी वल्नरेबिलिटी डिस्कवरी एक्सप्लॉइट्स डिस्कवर वल्नरेबिलिटी, ये एथिकल हैकर का काम ही होता है कि जो बंदे सर्टिफाइड होते हैं एथिकल हैकिंग के लिए वो आपकी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लोर नहीं करते, ये बताते हैं सबको कि आपके पीसी में एक प्रॉब्लम है। दे विल डिस्कस विद द ओनली ओनर्स, वो उनका ओनर के साथ टाइप होता है, लेकिन जो एथिकल हैकर्स जो दूसरे हैकर्स होते हैं लाइक दिस टाइप ऑफ हैकर्स ये आपको एक्सप्लॉइट करते हैं, खोल 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 करके उसकी इतनी सारी वल्नरेबिलिटी फाइंड कर देते हैं कि वो उस पीसीज को हैक इजीली कर सके। तो इससे बचा कैसे जा सकता है? दिस इज द बेस्ट थिंग कि अगर आपको पता है कि आपका पीसी हैक हो रहा है, आपकी इंफॉर्मेशन ब्रीच हो रही है, सो दिस इज द वे टू बी सिक्योर। सबसे पहले है जी कंटिन्यू चेक योर एक्यूरेसी फॉर द पर्सनल अकाउंट, जितने भी आपके अकाउंट्स हैं उनकी एक्यूरेसी चेक कीजिए। Use extreme caution while entering, chatting or posting personal web page. जब भी आप कोई पोस्ट करते हो तो उसको चेक कीजिए कि आप वाकई आप ही वेबसाइट पे पोस्ट हो रहे हैं, आपकी ही पोर्टल पे पोस्ट हो रहा है। Limit the personal information the post on the personal web page. अपने किसी भी personal information को वेबसाइट पे पोस्ट मत कीजिए। अगर आप Facebook यूज करें तो उसमें अपना मोबाइल नंबर ऐड मत कीजिए और hide only for yourself. Third, the careful monitoring requests by online friends and acquaintances for the predatory behavior. देखिए उन बंदों को, उन friends को, मान लीजिए कई बार आपके Facebook पे example लेके चलता हूँ, Facebook बहुत सारे friends आपके add होते जाते हैं, तो उन लोगों को add कीजिए जो आपको known है, जो unknown है उनको avoid कीजिए। Keep personal financial information out, मत कीजिए अपनी financial information को। Use extreme caution when agreeing to meet an online friends in the persons, means आप उन्हीं friends को मिलिए जो online आपके साथ हैं, आपके known में हैं, दूसरे friends से मत बात कीजिए, ये ना हो कि वही आपकी personal information को दूसरों पे share करें। And one of the last thing is कि हम अपने PC और hardware को कैसे चीजों को use कर सकते हैं। So here is the some example, हमारी पहली example है कि use a two-way firewall, अपनी firewall को on कीजिए, अपने PC की firewall को on कीजिए। Update your operating system regularly.
अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को जितनी भी पैचेस होते हैं उनको ऐड करके अपने पीसी को सिक्योर कीजिए। इंक्रीज योर ब्राउजर सिक्योरिटी, ब्राउजर में भी एक ऑप्शन आती है कि जब आप लॉग इन करते हो वो मांगता है कि सेव करना है, ऑलवेज नो। अवॉइड द क्वेश्चनेबल वेबसाइट, कोई भी क्वेश्चंस का जवाब देने की जरूरत नहीं अनलेस अंटिल जो आपके पर्सनल रिलेटेड ना हो। फिर ओनली डाउनलोड सॉफ्टवेयर फ्रॉम द साइट दैट यू ट्रस्ट, सिर्फ उसी साइट से अपने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कीजिए जो लगता है कि वो ट्रस्टेबल है, जो आपके इंफॉर्मेशन को खत्म ना करे। प्रैक्टिस सेफ ईमेल पोर्टल, सिर्फ सेफ ईमेल पोर्टल का ही इस्तेमाल कीजिए, डू नॉट ओपन मैसेज फ्रॉम अननोन सेंडर्स, स्पैम मेल का इस्तेमाल मत कीजिए, इमीडिएटली डिलीट योर सस्पेक्ट टू बी स्पैम। तो स्पैम में कई बार सस्पेक्टेड थिंग्स आते हैं उनको भी डिलीट कीजिए। मेक श्योर दैट यू हैव द बेस्ट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर प्रोसीजर इंस्टॉल इन योर पीसी। तो जितने भी सिक्योरिटी के सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपके पीसी में हमेशा इंस्टॉल रहे ताकि आप उनकी वल्नरेबिलिटी चेक करते रहो और उनके पैचेस को इंस्टॉल करते रहो। So use antivirus protections or antiviral anti-spy software. इन चीजों का इस्तेमाल करके आप almost अपने pieces को secure कर सकते हो। So this is the end of the presentation. Thank you so much for listening. If you like this video, please share your comments and subscribe us. And we hope the next time when we will meet, आप हमारे पास कुछ ऐसे interesting topics होंगे ethical hacking के बारे में that you will be clear कि ethical hacking होती कैसे और हम उससे कैसे बच सकते हैं। Thank you for this. Have a nice day.